हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स का टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो डेसिमल नंबर्स अपने को टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो बोलते हैं जिसके भी डेसिमल्स फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट यानी लिमिटेड होते हैं, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग को अपन इनफाइनाइट बोलते हैं। सो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को इन दिस केस ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। सो लिमिटेड नंबर्स का ही जब अपन डिवीजन मेथड में सॉल्व करेंगे जो भी रैशनल नंबर को, तो अपन को लिमिटेड नंबर्स आएंगे, तो उसको अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हो इनफाइनाइट, जिसका अपन रिपीटेड नंबर्स रिपीट होते रहते, तो उसको अपन इनफाइनाइट बोलते हैं। सो एक एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में अपन को टू टू टाइप्स होते हैं, तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैंने टर्मिनेटिंग का आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का केस में मैंने फर्स्ट लिया हूं नंबर 25/16। सो मैं इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा। सबको पता है डिवीजन मेथड क्या होता है, ओके। सो फर्स्ट अपन डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, इसको फर्स्ट 16 by 25, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है, 16 को जब तक डिवीजन करो तब तक उसका डिवाइजर छोटा हो जाए। सो 16 वन 16 बचा क्या, इधर 9 बचेगा, ओके, 9 बचेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे इधर, सो अभी अपन इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा आपको मैं और भी अच्छे से तरीके से समझाऊंगा। 16 25, ओके, सो 1, सो 16 वन 16 बचेगा, 9 बचेगा, तो मैं 9 16 1 नहीं जाएगा, तो मैं पॉइंट ले लेके एक जीरो ले लूंगा, तो इधर 90 हो जाएगा। 16 5 80, ओके, 16 5 80 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10, 10 भी नहीं जाता, तो मैं फिर से एक नंबर ले लूँगा, पॉइंट ले लेके एक जीरो ले लूँगा, ओके, एक ही बार पॉइंट लेना है इधर, फिर से पॉइंट ले लेना है, जीरो। सो मैं इधर 100 हो जाएगा, 16 100 कितने टाइम जाएगा, नियरली, देखिए 16 5 80, 16 6 96, सो 16 6 96, फिर बचा 4, तो कितना टाइम जाएगा ये, अगर मैंने जीरो ले लिया इधर, तो 40 हो जाएगा, 16 2 32, ओके, फिर बचेगा 8, फिर से मैं एक बार जीरो ले लूँगा, तो 80 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। सो अपने को आंसर फाइनली जीरो आया, ओके। सो देखिए इधर, ये जो भी 25/16 को जब अपन डिवाइड करेंगे, इसका अपन को 1.5625, ये जो भी है फाइनाइट नंबर्स है, लिमिटेड नंबर्स, ओके, तो इसको अपन, ये केस है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का बोलते हैं। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेऊंगा, दैट इज 17/5 का, ओके, सो 5 17 5 3 15, बचा 2, सो मैं पॉइंट ले लूँगा, तो मुझे इधर 0 लेऊँगा, तो 20 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, तो 0। सो ये देखिए इधर 17/5 में आपको लिमिटेड नंबर 3.4 आएंगे, ओके। सो ये केसेस क्या है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सो मैंने टू एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टू एग्जांपल्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को एग्जाम्पल्स है, ओके। सो इन द सेम वे अपन क्या करेंगे, अभी नॉन टर्मिनेटिंग के देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ओके। सो इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा, फर्स्ट वाला एक नंबर है 5/3, सो इस 5/3 को अपन देखेंगे, 3 5, सो 3 1 3 बचेगा 2, तो पॉइंट ले लूँगा मैं, और इधर पॉइंट लेके 0 ले लूँगा, तो इधर भी मुझे 0 आ जाएगा, सो 3 6
18 हो जाएगा। फिर से मेरे कुछ 2 आ रहा है तो मुझे और के 0 लेना है, इधर 0 ऐड करना है। सो 3 6 जा फिर से 18 आ रहा है। ओके फिर 2 लेना है तो अभी देखिए फिर मुझे 0 लेना है, फिर मुझे 18 आएगा, फिर मुझे 2 लेना है, फिर मुझे 18 आएगा। ओके सो इस तरह अपन को आंसर फाइनली 2 0 18 20 18 20 18 कर रहे हैं। सो नंबर क्या हो रहा है, 6 नंबर रिपीट होते जा रहा। तो अपन इसको क्या कैसे लिखेंगे, 5/3 इज इक्वल टू 1.666। ओके सो नंबर रिपीट होते जा रहा। सो इसको अपन शॉर्ट में कैसा है, 1.6 6 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये अपने को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये तो एक केस हो गया जो अपने को 6 एक ही नंबर रिपीट हो रहा। अभी अपन को इसके अंदर दूसरा केस भी है जो दूसरे नंबर्स डेसिमल्स वो रिपीट होते रहेंगे। ये तो जस्ट 666 हो रहा है तो दूसरे नंबर्स भी रिपीट होते रहते हैं, वो भी देखेंगे अपन कैसा होता। सो सेकेंड केस मैंने ले रहा हूँ, नंबर 1/7 ले रहा हूँ। ओके 1/7 ले रहा हूँ। सो इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन। सो 1/7 को देखिए आप, 7 तो मैं क्या करूंगा, 7 1 ले रहा हूँ तो मुझे नहीं जाएगा, तो मैं ऑलरेडी मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको 0 बना लूंगा तो ये 10 हो जाएगा। 7 1 7 हो जाएगा 3। फिर मुझे पॉइंट ले लेके इधर 0 लगा के इधर एक 0 लगाऊंगा, 7 4 28। ओके फिर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, फिर इधर 0 लगाना पड़ेगा, फिर मैं इधर 0, 7 2 जा हो जाएगा आपको 14। फिर 6 बचेगा, फिर एक 0 ले लीजिए, फिर 7 7 8 जा कितना होएगा अपन को, 56 होता है। सो 56 7 8 जा बचेगा 4। फिर मुझे एक 0 लेना है, फिर मुझे क्या हो रहा है देखिए, 4 बोले तो 40 हो जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा 35। ओके ऐसा अपन को नंबर बढ़ते जा रहा है, ये पूरा सॉल्व करेंगे। 5 हो गया, फिर मैं इधर 0 ले रहा हूँ, फिर इधर 0 ऐड कर रहा हूँ, फिर मुझे 7 7 ज़ा 49 होगा, 7 7 ज़ा 49। फिर से मुझे 1 आया है तो मैं फिर 0 लूँगा, फिर मुझे 0 ऐड करूँगा, फिर मैं 7 1 ज़ा करूँगा तो मुझे 7 आएगा, फिर मुझे 3 आएगा। ओके फिर मुझे 3 आएगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर 0 लूँगा, फिर मुझे 3 30 बनाऊँगा, फिर मैं इसको 28 करूंगा, फिर से मुझे आंसर देखिए 2 फिर से रिपीट हो रहा है। फिर मुझे इधर भी 20 आया, फिर से मुझे इधर भी 20 आने वाला है। सो मेरे को इधर देखिए 4 हो रहा है। सो देखिए नंबर रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 1 4। सो 7 के बाद में फिर से नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर 1 4 2 8 5 7, फिर नंबर 1 4 2 8 5 7। सो अभी अपन देखेंगे इस नंबर को कैसा लिखते हैं। 1/7 को मैंने लिख रहा हूँ, ओके 0.1428 जो भी मुझे आंसर आया मैं लिख रहा हूँ 5 7 1 4। ऐसे अपन सॉल्व करते जाएंगे तो सेम आंसर आएगा 2 8 5 7, सेम ऐसा नंबर रिपीट होते जाएगा वो कंटिन्यूसली। ओके सो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 1/7 इज इक्वल टू 0.1428 5 7। ये नंबर को अपन रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ऊपर वाले केस में इधर देखिए जस्ट 6 नंबर इच नंबर एक ही नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, बट इधर देखिए अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे बार बार। सो वो डिफरेंस है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में, 2 टाइप से बोला था मैं ऑलरेडी। सो इस तरह अपन को सॉल्व करना था। ओके सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स का आपको एग्जाम्पल्स मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस तरह अपन को सॉल्व करना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट नंबर ने बार बार नंबर रिपीट्स होते रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। ओके टर्मिनेटिंग में क्या होता है, फाइनाइट नंबर्स लिमिटेड नंबर्स ही रहते हैं उसके अंदर। सो आई होप आपको समझ में आएगा टर्मिनेटिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का। ओके अपन इधर ही स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में और भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए,
और आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।